आप देख रहे हैं बड़ बड़ा न्यूज, तो आपका स्वागत है। बड़ी खबर भारत में आने वाली है, कोरोना वैक्सीन रूस की कंपनी के साथ हुआ भारत के डॉक्टर रेड्डीज का करार। रूस की कोरोना वैक्सीन को भारत में बेचने के लिए भारत की बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के साथ डील हो गई है। न्यूज एजेंसी लाइडेस के मुताबिक रूस के अस्वेरन बेलफंड RDIF भारत के डॉक्टर रेड्डीज को 10 करोड़ डोज बेचेंगे। इसके लिए भारत की ओर सभी रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इस खबर के बाद डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में जोरदार तेजी आई। बुधवार को कंपनी का शेयर 4.36% के बढ़त के साथ 4,637 रुपये के भाव पर बंद हुआ। रूस की कोरोना वैक्सीन के बारे में रूस ने इस वैक्सीन को नाम स्पुतनिक भी दिया है। रूसी भाषा में स्पुतनिक शब्द का अर्थ होता है सेटेलाइट। रूस ने ही विश्व का पहला सेटेलाइट बनाया था, उसका नाम भी स्पुतनिक ही रखा था। इसीलिए नए वैक्सीन के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि रूस एक बार फिर से अमेरिका को जताना चाहता है कि वैक्सीन के रेस में उसने अमेरिका को मात दे दी है। जैसे सालों पहले अंतरिक्ष की रेस में सोवियत संघ ने अमेरिका को पीछे छोड़ा था, रूस 11 अगस्त को कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी देने वाले दुनिया का पहला देश बन गया था। यह वैक्सीन अगले साल 1 जनवरी से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। रूस के गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्पुतनिक 5 के नाम से जानी जाने वाली कोरोना वैक्सीन सबसे पहले कोरोना संक्रमण के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। इस वैक्सीन का उत्पादन संयुक्त रूप से रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष द्वारा किया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।